हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रोहित एंड आप देख रहे हैं ब्लॉगर रोहित भारद्वाज चैनल। सो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। सो दोस्तों, थंबनेल में आप देख ही चुके हो हम कहाँ जा रहे हैं। नैनीताल द लेक सिटी ऑफ इंडिया, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते देखने हैं नैनी लेक को। बहुत ही सुंदर जगह है और इस वीडियो में हम पूरी चीज़ दिखाएंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे, कैसे आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मेंबर से मिलवाता हूँ जो अब आगे हमारे ब्लॉग्स में दिखा करेंगी। हेलो गाइस, हेलो टू ऑल, माय सेल्फ गीतांजलि एंड मैं ही वो न्यू मेंबर हूँ जिसको मिस्टर रोहित इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे। मैं इनकी वाइफ हूँ। आज हम दोनों ही विजिट कर रहे हैं नैनीताल। और नैनीताल तो आप सब जानते हैं कि ये न्यूली वेड्स कपल्स का मोस्ट वांटेड डेस्टिनेशन रहता है। सो आई विश कि आप लोग आएँ एंड इन्जॉय करें इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट को। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नैनीताल आना चाहते हैं तो उसके लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। वहाँ से दूरी इसकी करीबन 36 किलोमीटर रह जाती है, क्योंकि आप बाय बस, बाय टैक्सी या बाय स्कूटी आप कवर कर सकते हैं। वो रेंट आपको सीजन पे डिपेंड होता है कितना लगेगा। क्या ही बेहतरीन नज़ारा है और कितना सुंदर लग रहा है, आप ये देखो। ऐसे बहुत सारे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे पूरे रास्ते में। खुरपाताल का दोस्तों क्या ही व्यू है, आप देख सकते हो कितना नीला पानी है। चीड़ के पेड़ों के बीच में सुंदर सा दोस्तों आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ट्रैक करके ऊपर चढ़ने के लिए बनाया हुआ है, कितना मस्त लग रहा है। और नैनीताल यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर पड़ जाता है, आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा है। तो दोस्तों बस पहुंचने वाले हैं। वाओ गाइस, ऊपर से नैनी लेक का व्यू क्या ही मस्त लग रहा है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और इसका कुछ शेप जो देख रहे हो, ये है एक मैंगो की शेप में, जो कि इसको और भी सुंदर बनाता है। इट्स रियली अमेजिंग। ये है नैनीताल का इको केव पार्क। इसके अंदर नेचुरल केव्स हैं कई सारी, और यहाँ का टिकट है 100 रुपये, जो कि मुझे वर्दित नहीं लगा बिल्कुल भी, 100 रुपये यहाँ के हिसाब से। सो दोस्तों, फाइनली हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर बाद हम लेक का व्यू आपको दिखाते हैं। सो दोस्तों, हम हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं नैनीताल के, और कितना ही सुंदर लग रहा है ये, आप देख सकते हो गाइस। और यहां से जाना है नैनी लेक के लिए। फाइनली वी आर रेडी। बाहर बहुत ठंडा है और अंधेरा भी हो चुका है, हमें रूम चेक करते करते कि कहाँ बढ़िया है कहाँ नहीं, और फाइनली हमने ये डिसाइड किया है रूम 2 से 2500 रुपये पड़ा है, ये 2 लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। अंधेरा हो चुका है तो हम चलते हैं बाहर नैनी लेक और मॉल रोड का व्यू दिखाते हैं अंधेरे में कैसा लगता है रात में, और सुबह हम कैप्चर करेंगे बोटिंग का और नैना देवी मंदिर का। सो अभी के लिए चलते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों, फाइनली हम नैनीताल के मॉल रोड पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो रात में क्या ही नज़ारा है यहाँ पे। दिन में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, धूप लगती है, और इस वक्त का आप देख सकते हो क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे तरह तरह की आपको शॉप्स मिल जाएंगी, लोकल्स से लेकर ब्रांडेड तक। अगर आपको रात में ठंड लगती है तो यहाँ पर कॉफ़ी भी हमेशा अवेलेबल होती है, आप पी सकते हैं।
दोस्तों आप यहाँ का रात का नज़ारा देख सकते हो, नैनी लेक का कितना मस्त है। सो फाइनली गाइज हमने डिनर भी कर लिया है और आपको रात का सीन भी दिखा दिया कैसा लगता है मॉल रोड और नैनी लेक का व्यू। रात का कितना मस्त था, मजा आ गया देख के। और सुबह से हम थक गए हैं घूमते घामते चलाते बाइक वगैरह, अब हम सोने जाते हैं और आपसे कल सुबह मिलते हैं। सो टिल देन गुड नाइट। गुड नाइट। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नींद बहुत अच्छी है, रात में काफ़ी थक गए थे, करीब 7 बजे हम उठे हैं और मौसम काफ़ी ठंडा है। तो अभी बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं विंडो से कैसा लगता है। सी देम दोस्तों, देख सकते हो दिन निकल चुका है और हमारी विंडो से क्या ही नज़ारा आ रहा है, मस्त मस्त नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। अभी थोड़ी जब सनराइज़ यहाँ पे आएगी तब तो उसके बाद और भी मज़ा आएगा। लेक का व्यू तभी मज़ा आता है देखने में जब सनराइज़ पड़ती है उस पर। सो दोस्तों अभी हम तैयार होते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आपको बाहर ले चलते हैं। सो दोस्तों हमारा रूम कुछ ऐसा है, लाइट्स वगैरह एकदम प्रॉपर बढ़िया मस्त। सो फाइनली गाइज हमारा टाइम हो चुका है चेकआउट करने का, तो चलते हैं बाहर फिर आपको नज़ारे दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो दोस्तों आप ये सामने जो देख रहे हो ये है नैनीताल का क्रिकेट स्टेडियम और सामने ही आप देख सकते हो मस्जिद है और सामने उसके आप देखते हो अमर उजाला का ऑफिस और उसके सामने आप जो देख रहे हो सबसे ऊंची पीक है वो चाइना पीक है। वहाँ से पूरा नैनी लेक का व्यू बहुत ही मस्त आता है और ये पूरी चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, क्या ही मस्त नज़ारा है दोस्तों सुबह का। आप देख सकते हो एकदम मस्त सनराइज़ पड़ रही है और एकदम क्लियर मौसम है आज। और ये इधर अभी हम नैना देवी मंदिर जाएंगे। दोस्तों यहाँ का ये गुरुद्वारा है और अभी भीड़ कम है, सुबह सुबह का टाइम है, सबसे सही टाइम यही होता है घूमने का बिना भीड़ के। और ये भोटिया मार्केट है पूरी, इधर सब दुकानें अभी खुल रही हैं। ये है दोस्तों यहाँ का नैना देवी मंदिर, अभी चलते हैं अंदर और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, प्रसाद वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। दोस्तों श्री हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हो। और उसके जस्ट सामने ये मन्नत यहाँ पे मांगते हैं जो चुन्नी चढ़ाते हैं। और ये सामने है नैना देवी का मंदिर, यहाँ पे आप जूते चप्पल उतार सकते हैं, रख सकते हैं, फिर उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। और सामने आप देख सकते हो वो है शिवलिंग, अभी चलते हैं वहाँ पे। ये भोटिया मार्केट से हम निकलते हैं और ये आ गई है ठंडी रोड जो कि बहुत ही मस्त है।
आगे दिखाते हैं कैसे कैसे नज़ारे हैं। यहाँ पे ये है नौका, इसी पे हम अभी बोटिंग करेंगे थोड़ी देर में। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, लोग इसी को देखने के लिए इंडिया में दूर दूर से आते हैं बहुत। दोस्तों यहाँ पे ये काली माता का मंदिर है, आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में, ये भी बहुत खूबसूरत मंदिर है यहाँ का। और पूरा नैनीताल आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है दिन में, रात का तो आपने देख ही लिया था, आप देखो दिन में कितना अच्छा और क्लियर मौसम है, यहाँ पे साफ दिख रहा हर चीज। दोस्तों अगर आप नैनीताल बाई एयर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर एयरपोर्ट, वहाँ से नैनीताल की दूरी करीबन 70 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप बाय टैक्सी या बाय बस कवर कर सकते हैं। यहाँ पे रेंटल बाइक्स एंड स्कूटी भी अवेलेबल होती है, वो सीजन पे डिपेंड होता है कि कितना आपको रेंट लगेगा। और नैनीताल अगर आप घूमना वाकई में अच्छे से चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बाइक्स या स्कूटी रेंट पर ले कर ही घूमना चाहिए। दोस्तों इस वक्त हमें मल्लीताल के बोट स्टैंड पर और यहाँ पे हम टिकट लेंगे और यहाँ पे पूरा चक्कर लगाने का 420 रुपये है और आधा चक्कर लगाने का 320 रुपये है। सो दोस्तों अब बोटिंग करने का टाइम आ गया, हमने टिकट लिया 320 रुपये का, इसका टाइमिंग है 20 से 25 मिनट का, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा व्यू आता है और लेट्स गो। सो गाइस हम बोट पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो हमने लाइफ जैकेट भी पहन ली है और अभी आपको सीन दिखाते हैं मस्त मस्त है। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत मजा आ रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। दोस्तों हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्या ही मस्त व्यू हमारे पीछे, आप देख सकते हो पूरा नैनीताल का और जो झील है उसके बारे में तो क्या ही बोलूंगा। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, बड़ा ब्रेक मिला है मुझे। पर आप जब भी आओ यहाँ बोटिंग जरूर करना, बिना बोटिंग के मजा नहीं है। बिना बोटिंग के नैनीताल ही नहीं घूमा, बोटिंग नहीं की तो नैनीताल नहीं घूमा भैया का ऐसा कहना है, और ऐसा व्यू आपको बोटिंग के अलावा कहीं मिलेगा भी नहीं। हमारी बोटिंग अब खत्म होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हमने एंजॉय किया, आई होप आपको भी ये सिनेमेटिक्स अच्छे लगे होंगे। सो दोस्तों फाइनली हमने ये बोटिंग भी कंप्लीट कर ली और काफ़ी चीज़ें हमने कैप्चर भी कर लिया इसमें, और आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी नए एडवेंचर के साथ किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, बाय बाय।